अस्सलाम वालेकुम गाइस, विस्मो टेक की तरफ से एमसीएसए के कोर्स में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियोस में सर्वर 2012 में इंस्टॉल किया था और अपनी एक वीएम बनाई थी विस्मो टेक सर्वर के नाम से, जिसमें हमने ये देखा था कि सर्वर कैसे बनाया जाता है जिसपे हम एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह चला रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक न्यू मशीन बनाएंगे जिसपे हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे जो है हमें विंडोज 2007 या 2010 हम उठाएंगे और एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसको इस सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करवाना है, इस सर्वर से कैसे ज्वाइन। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको रियल एनवायरनमेंट का पता चले। रियल एनवायरनमेंट में जब आप जाएंगे, हकीकी माहौल में आप जब जाएंगे काम करेंगे, तो आपको पता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को आप एक कंप्यूटर पर सेट करोगे, एक सर्वर पे आप उसको राइट्स दोगे, एक सर्वर से आप उसको मेंटेन करोगे। तो हम वर्चुअल लैब का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ये सिनेरियो को बनाने के लिए, जहां हमने एक सर्वर खड़ा किया है, अपना अपना सर्वर डिजाइन किया है और अपने सर्वर को डिजाइन करने के बाद हम कुछ क्लाइंट मशीन यानी कि यूजर्स जो आपकी कंपनी में होंगे उनको बनाकर इससे कम्युनिकेट करवाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी पर सेट करेंगे, डोमेन ज्वाइन करवाएंगे ईटीसी। तो चलिए आगाज करते हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोग विंडोज का सेटअप जो है वो भी डाउनलोड कर चुके हैं, तो न्यू वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो गाइस, हमें विंडोज नॉर्मल विंडोज 10 करनी है। ये सेटअप हमने लास्ट टाइम डाउनलोड किया था गेट इनटू पीसी से, आप भी गूगल करके सर्च कर सकते हैं और गेट इनटू पीसी से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस इसको। अच्छा, दूसरी चीज, पहले इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं बता देता हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है गाइस कि आप यहाँ पर से आपकी मशीन मिस हो जाएगी। तो हमने जब इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे थे तो हमने इसको अपने ड्राइव ई में रखा था, ये पड़ा हुआ गाइस यहाँ पर हमने रखा था इसको। तो हमसे अगर कभी मिस हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर से डिलीट हो जाता है, हम इसको यहाँ पर से रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आने के बाद हम ब्राउज भी करवा सकते हैं, ओपन जाएंगे, ब्राउज कराएंगे, ये हमारी मशीन का इंस्टेंस पड़ा हुआ है और हम इसको यहाँ पर उठाएंगे तो ये हमारी मशीन वापस यहाँ पर आ जाएगी। गाइस, आप इसको यहाँ पर से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर जो है विंडोज में आकर आप इसका जो ये मशीन है आप इसको यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये वाला फाइल जो है आप इसको यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे तो आपकी मशीन यहाँ पर दोबारा आ जाएगी। तो आज हम विंडोज सर्वर पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है एक विंडोज 10 क्लाइंट बनाएंगे। Thank you.
गाइस इसने हमारी विंडोज जो है वो इंस्टॉल हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी और अब इसने विंडोज खुद स्टार्ट कर दी है हमारी, ये इंस्टॉल कर रहा है। गाइस तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको विंडोज तो एटलीस्ट MCSA का कोर्स करते वक्त विंडोज करना तो आपको यकीनन आती होगी। हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी फिर भी देख लेते हैं, हम विंडोज क्लाइंट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम जो है अपनी विंडोज को कम्युनिकेट करवा सकें सर्वर से एज ए यूजर। तो गाइज ये हमारा इंस्टॉलेशन का सेटअप तो वैसे बहुत ज्यादा इजी है, तो ये हमारा इंस्टॉलेशन लग जाएगा। ये अगेन इसने क्यों दे दिया, आई डोंट नो, लेट्स चेक इट अगेन। सॉरी हम इस पे जाने देते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा विंडोज जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। गाइस तो इसके इंस्टॉल होने तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, यहाँ तक तो आप आई थिंक आपको विंडोज करने आती होगी, तो यहाँ पर वैसे भी आपसे कोई कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये खुद ही यहाँ पर टिक लगते जाएंगे और हमारी विंडोज की इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो गाइस जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक वीडियो पॉज कर लेते हैं। सो गाइस लुक एट द स्क्रीन, हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है। एंड रिमेम्बर दिस कि हम ये मशीन क्यों बना रहे हैं, मेरा बार बार आपको बोलने का मकसद है ताकि आप छोटी सी बात को भी मिस ना करें इस कोर्स में, कि हम ये मशीन इसलिए बना रहे हैं कि हमने एक सर्वर लास्ट वीडियो में बनाया था जिसमें हमने 2012 सर्वर जो है इंस्टॉल किया था। अब जो है हम क्लाइंट मशीन बना रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कैसे हर कंप्यूटर जो है एक सर्वर से ज्वाइन होता है, कैसे उसकी सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा होता है और तमाम चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है। तो गाइस ये हम एक स्लेव और मास्टर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि हम आपको इसकी ये जो लैब क्रिएट करके हमें दिखा सकें। लास्ट वीडियो में आपको तमाम बातें डिफाइन की गई थी कि सर्वर क्या होता है और हम जो है एक एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर क्या होता है, उसमें यूजर्स जो है कैसे ज्वाइन करने होते हैं, डोमेन क्या होता है, और हम आगे भी इसमें वीडियोस कोर्स में देखने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है गाइस ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर सको, और कमेंट में भी आपने बताना है कोई एडवाइस, कोई आपने कोई तनकीद करनी है तो आप बता सकते हैं, जितनी वीडियोस को अच्छा कर सकेंगे आपके लिए ज़रूर करेंगे ताकि उससे आपको फ़ायदा हासिल हो। गाइस हमारी ये इंस्टॉलेशन जो है एंडिंग्स में है, हमारी जो क्लाइंट मशीन है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये कंप्यूटर हमारा रिस्टार्ट कर देगा इन 10 सेकेंड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and go। सो गाइस ये हमारा पीसी जो है स्टार्ट हो चुका है और हम इसको एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर, एज अ कंप्यूटर अपने सर्वर 2012 सर्वर जो हमने बना रखा है इससे कैसे कम्युनिकेट करवाएंगे, कैसे ज्वाइन करवाएंगे और वो तमाम ट्रबल शूटिंग हम देखेंगे जो कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता होनी चाहिए। जस्ट लाइक कि कभी आपने अगर एक डोमेन बनाया हुआ है अपने प्राइवेट नेटवर्क का और आपने उस प्राइवेट नेटवर्क पे एक सी पैनल क्रिएट किया हुआ है और उस सी पैनल क्रिएट करने के बाद आपका डोमेन नहीं आ रहा, आपकी वेबसाइट्स डाउन है, नहीं चल रही, तब क्या इश्यू होता है एक्टिव डायरेक्टरी की तरफ से, वो कैसे अपने डोमेन को छोड़ देता है, क्यों छोड़ देता है, ये तमाम बातें मे बी पॉसिबल कि हर देखने और सुनने वाले को ना पता हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको कोर्स की एंडिंग पे यकीनन ये तमाम बातें पता चल जाएंगी। इस कोर्स में मैं आपको ए टू जेड तमाम चीजें बताने वाला हूँ जो आपकी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप इस कोर्स को करने के बाद डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो और बोल सकते हो कि मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशलिस्ट हूँ।
अभी हमारी सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है और मैं आपको बता दूं, अगर आपके माउस ये काम नहीं कर रहा है, माउस आपने इनसाइड क्लिक कर दिया और ये बाहर नजर नहीं आए, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अल्ट कंट्रोल एक साथ दबाएंगे तो आपका जो है ये इश्यू नहीं आएगा, आपका माउस आपके जो है अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आपने जो है अल्ट कंट्रोल प्रेस करना है तो आपका माउस जो है इस स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। गाइस ये हमारी वर्चुअल मशीन के ऊपर एक मशीन एक और है विंडोज, तो जो है माउस वगैरह की सेटिंग को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, रिमाइंड भी कर देता हूँ, ये हमारी विंडोज को जो है स्टार्ट कर रहा है। तो आज हमने ये भी देखा कि विंडोज की सेटिंग कैसे की जाती है, कैसे विंडोज इंस्टॉल की जाती है। आपने विंडोज 10 की इंस्टॉलेशन भी इस ट्यूटोरियल में देख लिया। दोस्तों काफी लंबा इसने गेटिंग रेडी हमें दिया है और ये बार बार आपके पीसी को रीस्टार्ट करेगा। सो डोंट वरी, कहीं रीस्टार्ट होने पर आप परेशान हो जाओ और सोचो कि नहीं ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर के साथ, बट डोंट वरी, ये बहुत बार आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके आपकी विंडोज की सेटिंग करेगा गाइस। सो आपको थोड़ा सा सबर करना है विंडोज होने के लिए। गाइस इसने एटलीस्ट हमें जस्ट अ मोमेंट देकर बाकी सेटिंग्स कर दी है। अब वी आर टू क्लोज टू ओपन आवर विंडो। गाइस आफ्टर सेटअप इसने मुझसे पूछा है कि आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट पर ही यस करूंगा। उसके बाद इसने मुझसे पूछा है इंग्लिश कौन सी, यूएस वाली, मैं यूएस पे ही रह सकूंगा। स्किप कर रहा हूँ फिलहाल इसे। गाइस अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स कर रहा है मेरे पास। नेक्स्ट सेटिंग मेरे पास दी है, फिलहाल मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करने की जरूरत है। आप इसको पर्सनल यूज के ऊपर भी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मुझसे जो है अकाउंट क्रिएट करने का कह रहा है, मुझे अभी ऑफलाइन अकाउंट पर जाने देना है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर भी गाइस। गाइस इसने नाम पूछा था तो मैंने क्लाइंट नाम दे दिया और पासवर्ड मैंने इसका रख दिया है 123। कंफर्म करना है 123 दोबारा रख दिया है मैंने, नेक्स्ट कर दिया है। और ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन हमसे पूछता है, पेट पेट के लिए पूछ रहा है, सो मैंने आंसर दे दिया है कैट। ये मुझसे सेकंड पूछेगा कि मैं कहाँ बॉर्न हुआ, सो आई विल पुट इट इन कराची। देन ये मुझसे कुछ और क्वेश्चन भी कर सकता है जो कि मैं चेक कर लूंगा। So it is Sam, nickname, next करें और ये आपकी further settings भी कर देगा। So guys, it's asking something. Accept कर लें guys, जो भी आपको इसकी services चाहिए, but make sure के आप वो तमाम चीजें देख लें। अगर कुछ extra आपको लगे कि आपके drive के हिसाब से एक्स्ट्रा जा रहा है कि आपके पास ड्राइव में इतनी जगह नहीं है, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप देख कर करें। अदरवाइज आप देखें कि आपको अगर MCSA का कोर्स करना हो, VMware पे काम करना है, सीखना है, तो आपको अपना जो लैपटॉप है वो अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये जो है कोर्सेज वगैरह की प्रैक्टिस हो पाएगी। अदरवाइज ट्यूटोरियल देखने का कोई, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना देखें, बट साथ साथ काम करने का गाइस अपना मजा है। ठीक है, तो आप ये देखें इसने मेरी सेटिंग्स कर दी है और अब जो है ये मेरे लिए
विंडोज को सेटअप कर रहा है, स्क्रीन मेरी चल आने वाली है इस पर। गाइस आपने अंदर सेलेक्ट किया हुआ है और माउस जो है बाहर, अगर आपका नहीं जा रहा है तो मैंने आपको बताया अल्टर कंट्रोल आप दबाकर बाहर जा सकते हैं। और जब तक कि हमारी सेटिंग कर रहा है हम, तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आप लोग जो है विंडोज 10 को बहुत सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल कर चुके हैं। ये गाइस ये हमारा पहला लुक इसका आ गया है आपके सामने, ये मशीन ओपन हो गई है। आपको मैं यहाँ पर से इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ। गाइस ये हमारे पास हमारा क्लाइंट जो है इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। ये हमारी विंडोज 10 सक्सेसफुली हमने जो है इंस्टॉल कर लिए। और अब जो है हम ये सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कि कैसे हम जो है इस विंडो को अपने सर्वर से कैसे जो है कम्युनिकेट करवाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे इसको ज्वाइन करवाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखें हमारे पास ये सर्वर भी मौजूद है, हमारे पास अपनी विंडोज भी मौजूद है और हम इन दोनों की कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।